लोग कंपेयर करेंगे ONDC को विद द एग्जिस्टिंग फूड डिलीवरी एप्स दैट इज Zomato एंड Swiggy. मेरे को मन कर रहा था मैं अपना सर दीवार के अंदर मार लूं, लेकिन मेरे को नोटिफिकेशन आती है कि योर ऑर्डर इज कैंसल्ड. हर बार स्क्रीन पे फ्लैश आता था कार्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड. पहले मैं बहुत दुखी था, Zomato और Swiggy के डिलीवरी चार्ज दे दे के मेरी पूरी जायदाद बिक चुकी थी. और फिर मेरी जिंदगी में आया ONDC और उसके आने के बाद में मेरी लाइफ में था बस. ये पैसा ही पैसा वाला क्लेम मेरा नहीं है बल्कि हर मीडिया हाउस का है, क्योंकि जब से ONDC हुआ है लॉन्च हर जगह सिर्फ यही खबर आ रही है कि आप बचाने वाले हो बहुत सारा पैसा ही पैसा और Zomato और Swiggy का होने वाला है अंत खत्म. पर क्या ये सच है और ये ONDC क्या भला है, मैं बताने वाली हूँ आज इसी वीडियो में. सो ONDC बेसिकली इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इसके थ्रू ई कॉमर्स को करा जाएगा ऑपरेट एंड इतना ज्यादा बढ़िया प्राइस पे आपको सब चीजें मिलेंगी ऑनलाइन कि कस्टमर्स के पास आ जाएगा पैसा ही पैसा. ना ये जो ONDC है ये बहुत सारे स्पेयर्स में आने वाला है, ये आपके अपैरल डिलीवरी के अंदर भी आने वाला है, आपकी ग्रोसरी डिलीवरी में भी आने वाला है, फूड डिलीवरी में भी आने वाला है. एंड क्योंकि हम फूड के बारे में बातें करते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे ONDC को विद द एग्जिस्टिंग फूड डिलीवरी एप दैट इज Zomato एंड Swiggy एंड हम लोग देखेंगे कि क्या सच्ची में ONDC यूज करके बचता है पैसा ही पैसा या फिर हमारा कटता है. समझ रहे हो ना, आज की जो वीडियो है दैट इज कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड. ना तो हमें Swiggy से, Zomato से या ONDC से पैसा मिला है. हम अपने ऑनेस्ट ओपिनियन को रखेंगे आपके सामने और देखेंगे कि विच ऐप इज द बेस्ट फॉर फूड डिलीवरी. तो सबसे पहला पैरामीटर जिस पे हम लोग करने वाले हैं इन तीनों को कंपेयर दैट इज ईज ऑफ ऑर्डरिंग, यानी कि आप कितनी आसानी से खाने को कर सकते हो ऑर्डर. तो हमें पता है कि Zomato और Swiggy एक ऐप है और अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे Zomato ज़्यादा ईजी लगता है व्हेन इट कम्स टू ऑर्डरिंग फूड, क्योंकि Zomato में ना उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस बनाए हुए हैं कि आपको डिलीवरी के लिए चाहिए तो ये सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको डाइनिंग के लिए चाहिए तो उसके ऑप्शंस अलग आते हैं, आपको बिरयानी चाहिए आप बिरयानी पे क्लिक करोगे तो सारे बिरयानी वाले रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, आपको पिज्ज़ा चाहिए तो पिज्ज़ा वाले रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. तो इट इज़ वेरी ईजी. Swiggy के अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन है, Swiggy के अंदर Instamart भी उसमें घुसवा रखा है जिससे आपको ग्रोसरी ऑर्डर करनी होती है. तो एक लेमैन जो बेचारा पहली बार जिंदगी में ऑर्डर करने लगेगा आई थिंक उसके लिए Zomato ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू Swiggy. बट अगर मैं करती हूँ ONDC की बात तो ONDC कोई भी ऐप नहीं है, बेसिकली ये ऐप के अंदर ऐप है. दिस इज द इंसेप्शन ऑफ ऐप. तो अलग अलग ऐप्स इन्होंने यूज़ करी हैं लाइक Paytm, Meesho, मैजिक मैन एक्सेट्रा और इसके अंदर ये ONDC वाला फीचर है. आप जैसे Paytm मैंने यूज़ किया था तो आपको पूरा स्क्रोल करना होता है Paytm को, नीचे जाके आपको फूड वाले ऑप्शन दिखते हैं तब आपको पता लगता है अच्छा यहाँ से फूड डिलीवरी करी जा सकती है. मेरे को थोड़ा स्टूपिड लगा कि Paytm हम पैसे देने के लिए यूज़ करते हैं एंड वहाँ से हम फूड ऑर्डर कर रहे हैं विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड. ऐसे ही Meesho से हम कपड़े मंगाते हैं, वहाँ से खाना ऑर्डर कर रहे हैं. आई डोंट नो, इट डजेंट मेक सेंस टू मी. चलो एक बार को मैं ये बात भी इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन बात आती है ऑर्डरिंग एक्सपीरियंस की जो कि इतना बुरा है कि मेरे को मन कर रहा था मैं अपना सर दीवार के अंदर मार लूँ इस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते के टाइम. बेसिकली क्या था कि सबसे पहले तो आपको पूरा स्क्रॉल करके नीचे जाना है कैसे कैसे करके आपको वो डिलीवरी वाला ऑप्शन मिल जाएगा. मैं कल दोपहर से ट्राई कर रही थी, कल ये वीडियो बननी थी, आज नहीं बननी थी, कल बननी थी, कल दोपहर से मैं रात तक ट्राई करती थी, मेरा कार्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा था. हर बार स्क्रीन पे फ्लैश आता था कार्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड. सेकेंड, क्योंकि ये बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जहाँ से मैं खाना मंगाती हूँ ना अपने घर के पास, वो सारी डिलीवरी वाली जगहें अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि नया है. तो मे बी इन सब जगहों ने अब तक रजिस्टर नहीं करा है इस प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं जिससे आप खाना मंगवा सकते हो. तीसरी बात ये है कि इन्होंने ना पूरा लेआउट टेपने की कोशिश करी है Zomato से. जैसे आप असाइनमेंट टेपते हो ना और आपका दोस्त कहता है कि थोड़े बहुत चेंज कर दियो बाकी सेम रख लियो, बस इन्होंने वही करा है. बस डिफरेंस ये है कि जो Zomato का लेआउट है वो काम करता है और इनका लेआउट काम नहीं करता. अगर आप बिरयानी क्लिक करोगे Zomato पर जाकर तो आपको बिरयानी की बड़ी सारी जगहें Zomato दिखा देगा, लेकिन मैंने जब इनकी बिरयानी वाले ऑप्शन पर क्लिक करा तो मेरे को क्या मिला, लापिनोस. मैंने नॉर्थ इंडियन पर क्लिक करा तो मुझे क्या मिला, लापिनोस. मैंने साउथ इंडियन पे क्लिक करा तो मुझे क्या मिला, लापिनोस. पता नहीं इनका कौन सा ग्लिच आ रहा था, मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करती थी एट द एंड रिजल्ट आता था लापिनोस. तो बस मैं इतनी देर तक ट्राई ही करती थी कल और ऑर्डर प्लेस हुआ ही नहीं. आज मैं नई शक्तियों के साथ में उठी एंड मैंने कहा आज मैं फिर से ट्राई करूंगी ONDC से ऑर्डर करने का. एंड फाइनली मैंने ऑर्डर करा, प्लेस, ऑर्डर प्लेस भी हो गया, पेमेंट कट भी गई. एंड देन 4 सेकंड बाद ऑर्डर प्लेस होने के मेरे को नोटिफिकेशन आती है कि योर ऑर्डर इज कैंसल्ड. पर
पर मैं भी एक नंबर की ढीठ हूँ, मैंने हार नहीं मानी। जहाँ से मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था मैंने उस जगह को हटाया अपनी लिस्ट में से और मैंने बीकानेर वाला खोला, मैंने वहाँ से ऑर्डर करे छोले भटूरे फ्रॉम ONDC और फिर सेम छोले भटूरे मैंने ऑर्डर करे हैं फ्रॉम जोमैटो एंड स्विगी। अब देखते हैं कि ये तीनों ऑर्डर्स कितनी देर में हमारे पास में आते हैं एंड फर्दर ये क्या सेम होते हैं और इनका प्राइस में क्या डिफरेंस है, वो भी इसी वीडियो में पता चलेगा। तो एंड तक ये वीडियो देखते रहे। इट्स 3:19 एंड आवर फर्स्ट ऑर्डर इज हियर। कहाँ से है? ठीक है, थैंक यू। इट्स 3:22 एंड ऑर्डर नंबर 2 इज फ्रॉम स्विगी। सो मैंने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करा था ONDC के जो प्लेटफॉर्म है उससे एंड 2:44 पे ही ऑर्डर प्लेस करा था। अब ये 3:38 हो गए हैं लेकिन ऑर्डर का कुछ आता पता नहीं है। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे ऑर्डर की, है हमें यकीन ऑर्डर डिलीवर करेगा ONDC, फिर कहाँ मर गए ONDC। क्या क्या करना पड़ रहा है टाइम पास करने के लिए। सो अभी टाइम जो हो रहा है दैट इज 3:45। सबसे पहले जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया था ना वो ONDC का ऑर्डर था भाई साहब, उसका कोई अता पता नहीं है। जोमैटो का ऑर्डर मैंने उसके बाद प्लेस करा, स्विगी का ऑर्डर तो मैंने जोमैटो के भी बाद प्लेस करा, मतलब 2-3 मिनट का डिफरेंस है दोनों तीनों चीज़ों में, लेकिन वो दोनों पहले ही डिलीवर हो गए और 20-25 मिनट हो गए इन दोनों को डिलीवर हुए, लेकिन ONDC के ऑर्डर का कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पे है। इन्होंने भी ना जोमैटो की ऐसे कॉपी मार रखी है और वो जो ट्रैकर वाला सिस्टम होता है ना जहाँ पे आप अपने डिलीवरी पार्टनर को ट्रैक कर सकते हो, वो वाला सिस्टम डाला हुआ है लेकिन वो ढंग से काम नहीं करता। एंड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल पिछले 15 मिनट से 12 मिनट ही दिखा रहा है, तो मुझे नहीं पता कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे है एंड मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि जोमैटो और स्विगी का ऑर्डर तो आ गया, पता लगे ONDC का ऑर्डर लास्ट मिनट कैंसिल हो गया, तो बन गई मेरी वीडियो। हेलो हेलो भैया, ऑर्डर प्लेस करा था, कहाँ पे हो आप? सो एक जो भारी भीषण प्रॉब्लम है ONDC की वो ये है कि जो आप मैनुअली एड्रेस एंटर करते हो वो एड्रेस वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वो क्या करेगा, आपका एड्रेस लिखने के बाद में लिखेगा कि जी ऑटो डिटेक्ट कर रहे हैं हम, और ऑटो डिटेक्ट करके आपके घर के 1-2 किलोमीटर के अंदर कहीं भी वो बेचारे डिलीवरी पार्टनर को पहुंचा देगा और उस गरीब को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आप तक रीच आउट करने में, आपको इतनी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपकी भूख से जान निकल रही होगी। 2000 years later तीनों के तीनों पैकेट मैंने कर लिए हैं अनबॉक्स। दिस वन इज फ्रॉम स्विगी, दिस इज फ्रॉम जोमैटो एंड दिस इज फ्रॉम ONDC। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं लुक्स की तो दीज छोले भटूरे लुक एग्जैक्टली द सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तीनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि काफ़ी देर बाद हम इसको खा रहे हैं क्योंकि ONDC की वजह से सब कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो छोले भटूरे की थोड़ी जो आत्मा है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल चुकी है। खैर अगर मैं छोले की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी स्विगी वाले छोले भटूरे में आई है लेकिन वो 19 पीस का ही फ़र्क है, इन सब की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आई थिंक काफ़ी स्टैंडर्डाइज छोले भटूरे हैं जितना भी क्वान्टिटी में है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि स्विगी के छोले भटूरे में 2 पीस पनीर है छोटे छोटे, जोमैटो के छोले भटूरे के अंदर 3 पीस छोले में पनीर है छोटे छोटे छोटे, लेकिन ONDC के छोले भटूरे के अंदर इतना सा पनीर है। पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिके। बट खैर सबसे पहले इन सब चीज़ों को करते हैं ट्राई, मेरे को तो लगता है तीनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। जरा मेरे छोले भटूरों की हालत देखो क्या हो चुकी है, बट नेवर माइंड खाते हैं इसको, कहीं ये ना मेरा मुंह ही कट जाए इसको खाते खाते इतने हार्ड हो गए छोले भटूरे। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। दिस इज फ्रॉम स्विगी, दिस वन इज फ्रॉम जोमैटो एंड ये है फ्रॉम ONDC। लेट्स गो। ना अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट में एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं है, दीज आर एग्जैक्टली द सेम इन टेस्ट, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। क्वांटिटी में अगेन ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है, सब क्वालिटी क्वालिटी एकदम एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट मैंने काफ़ी बार सुना है कि अगर आप जोमैटो और स्विगी से अलग अलग ऑर्डर करते हो ना तो ऐसा होता है कि क्वालिटी के अंदर डिफरेंस आता है और क्वांटिटी के अंदर भी डिफरेंस आता है। मुझे बताना क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है। बट
अब बात आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस की, जब इसका क्वांटिटी भी सेम है, इसका क्वालिटी भी सेम है, तो प्राइस में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले जो लिस्टेड प्राइस था बीकानेर वाला के छोले भटूरे का, वो तीनों प्लेटफॉर्म पे 175 रुपीज़ था। जो डिफरेंस था वो था डिलीवरी चार्ज में, टैक्सेस में, ये सब चीज़ों में, जिसकी वजह से तीनों में प्राइस डिफरेंस है। सो स्विगी पे जो डिलीवरी चार्ज था दैट वाज समवेयर अराउंड 40-45 रुपीज़, एंड अगेन जो टैक्सेस वगैरह थे वो भी 45 के अराउंड ही थे, एंड जो टोटल पड़ रहा था वो था 265 रुपीस। नेक्स्ट अगर हम जोमैटो की बात करते हैं तो जोमैटो के ऊपर जो डिलीवरी चार्ज था दैट वाज 78 रुपीस। मतलब मेरे को अगर नॉर्मली अपने लिए ऑर्डर करना होता और मैं 78 रुपीस का डिलीवरी चार्ज लेती, मैं अपने घर मैगी बनाती और आराम से खुश रहती। मतलब 78 रुपीस का डिलीवरी चार्ज देने वाला तो हिम्मत हिमाकत मेरे में अभी आई नहीं है। बट मेरे पास जोमैटो गोल्ड है, उसकी वजह से क्या था, अगर मैं 200 रुपये से ऊपर का ऑर्डर करती हूँ तो मेरा जो डिलीवरी चार्ज था ना वो ख़त्म हो जाता है, तो मेरे को वो फ़ायदा हुआ। बट अगर आपके पास जोमैटो गोल्ड नहीं है और आप ऐसे ही छोले भटूरे ऑर्डर करते हो तो यह आपको पड़ेंगे 300 रुपये के, विच इज़ अ लॉट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ONDC, जिसके बारे में इतनी कहानियाँ गाई जा रही हैं इंटरनेट पे कि ओ माय गॉड दिस इज़ सो चीप, ये तो जोमैटो स्विगी का धक्का बंद करवा देगा, इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं, इससे सस्ता आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं ज़रा इसका भी बता देती हूँ, इसका तो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगी ना, क्योंकि ये नई चीज़ है। वेट, देखो ये 175 रुपीज़ के छोले भटूरे हैं, इस पर टैक्स लगा है 8 रुपये का, इस पर डिलीवरी चार्ज है 68 रुपीज़ के। मतलब जोमैटो से बहुत कम तो नहीं है, बट इसके ऊपर एक और चार्ज है विच इज़ पैकेजिंग चार्ज, जो कि है 39 रुपीज़ का, एंड जो टोटल अमाउंट ONDC के छोले भटूरे की है दैट इज़ 290 रुपीज़। तो ये जो क्लेम्स हो रहे हैं ना सोशल मीडिया के कि ओ माई गॉड ONDC इज़ द चीपेस्ट और ये वो, पता नहीं, आई फील मे बी इट्स स्पॉन्सर्ड, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब कोई नई चीज़ लॉन्च होती है ना, इवन दो गवर्नमेंट की होती है, जैसे भीम UPI लॉन्च हुआ था तो बहुत इन्फ्लुएंसर से, बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रमोशन कराया था, आई थिंक प्रमोशन के लिए, ताकि लोगों को पता चले ये सब बताया जा रहा है दैट इट्स वेरी चीप। बट ओवरऑल अगर आप प्राइस को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस ही है, बट जो ऑर्डर करने के लिए दुख दर्द पीड़ा आपको सहना पड़ता है वो ONDC पे, वो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे तो आपको नहीं सहना पड़ेगा। सो फाइनली मैंने तीनों प्लेटफॉर्म्स को लिया है ट्राई, एंड दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। अगर मैं बात करूँ ईज ऑफ ऑर्डरिंग, तो आई थिंक जोमैटो इज द बेस्ट। मतलब जितना आसानी से आप जोमैटो से ऑर्डर कर सकते हो, उतना आसानी से आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर नहीं कर सकते। स्विगी में भी बड़ी कन्फ्यूजन है, थोड़ी कन्फ्यूजन है, बट ONDC में तो बहुत ही कन्फ्यूजन है कि आपको ऐप के अंदर ढूंढ ढूंढ के चीज़ों को ऑर्डर करना पड़ता है, आप उसको बैक करते हो तो वो पूरी ही बैक हो जाती है, और पता ही है तुम्हें मेरे साथ क्या क्या बीता है इसको ऑर्डर करते हुए। तो ईज़ ऑफ ऑर्डरिंग में ONDC को तो मैं काउंट ही नहीं करती, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है फिलहाल। सेकंड इज टाइम ऑफ डिलीवरी। सबसे पहला ऑर्डर जो मुझे डिलीवर हुआ था वो था जोमैटो का, मैक्सिमम 20-25 मिनट्स में मेरे पास ऑर्डर आ चुका था, लेकिन जोमैटो के एक या दो मिनट बाद ही मैं स्विगी का ऑर्डर प्लेस करा था, एंड वो एक या दो मिनट बाद डिलीवर भी हो गया था। तो अगर मैं टाइम ऑफ डिलीवरी की बात करूँ तो स्विगी एंड जोमैटो अगेन सेम लेवल पे है, बट ONDC मैंने 2:45 बजे ऑर्डर प्लेस किया था एंड वो ऑलमोस्ट 4 बजे आया था। तो भाई ONDC अगेन यहाँ पे कहीं स्टैंड नहीं करता, भाई साहब इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ऑर्डर नहीं करने वाला इनसे, क्योंकि किसी में इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है। थर्ड मैं बात करूँ अगर प्राइस पॉइंट की, तो जो सबसे सस्ता मुझे पड़ा दैट वॉज स्विगी। अगर मैं यहाँ पर जोमैटो गोल्ड ना लेती तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा महंगे छोले भटूरे पड़ते, शायद मैं इसको मंगाती ना अगर मेरे पास जोमैटो गोल्ड ना होता। तो ओवरऑल स्विगी वॉज द मोस्ट चीपेस्ट आउट ऑफ ऑल। सो कंसिडरिंग ऑल द पैरामीटर्स, इवन दो ईज ऑफ ऑर्डरिंग ज़्यादा है जोमैटो में एज कम्पेयर टू स्विगी, लेकिन जो प्राइस डिफरेंस है उसकी वजह से द विनर ऑफ टूडेज कंपेरिजन और टूडेज बैटल इज स्विगी। आप मुझे बताओ आप क्या प्रेफर करते हो, जोमैटो से ऑर्डर करना, स्विगी से ऑर्डर करना, किसी और फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करना, या आपने कभी ONDC ट्राई करा है? आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दिस इज कुलज्योति ढिंगरा साइनिंग ऑफ टू कम अप विद मोर वीडियोज इन फ्यूचर। तब तक के लिए बाय बाय।